हैं ये क्या सीन तमलो जी क्या कर रहे हो आप? आपका नाश्ते का टाइम हो रहा होगा। क्या नाश्ता कर रहे हो? अच्छा दादी बैठी हुई है लगा यार अम्मी अच्छा तो दादी बैठी हुई नाश्ता करा रही है सबको। अच्छा वाओ इतना सारा बटर भाई ऐसे नहीं मुझे नहीं खाना आप खा लो आप खा लो। स्कूल क्यों नहीं गया जब आज ठंडी तो आज छुट्टी थी नहीं गया विंटर वेकेशन वो तो कल पे कल चल गए थे। अच्छा कब तक नहीं जाने इसे स्कूल? 9 तारीख तक नहीं जाएगा। बहुत कम छुट्टियां यार दिल्ली में जहाँ तेज सर्दी पड़ती है ना वहाँ इन बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं और सर्दी बड़ी छुट्टी गर्मी बड़ी छुट्टी और बरसात हुई छुट्टी कोहरा हुआ छुट्टी पोल्यूशन हुआ छुट्टी। दिल्ली में बहुत मसले हैं भाई दिल्ली में बहुत मसले हैं। दिल्ली में तो इंसान रह के एक ही काम कर सकता है कि इसे छोड़ के जा सकता है बस। अभी मजा आएगा ना तुम्हें क्या समझ में आ रहा है जो हंस रहे हो? क्या आलम हुआ पड़ा है धूप ही नहीं बिल्कुल मौसम हो रहा है एकदम एंड। अच्छा अम्मी जा रहा हूँ मैं चलो ओके बाय अल्लाह हाफिज चलता हूँ। हाँ ठीक है स्कूटी हो गई मेरी खराब और देखो इसका एक हफ्ते से खड़ी है इसका हाल क्या होगा। One eternity later घर आ गए हैं जी वापस सुबह के निकले काम धंधे से लौट के ताला लगा हुआ है। ओ भाई घर पे कोई नहीं है चलो ऊपर चल के देखते हैं। अब पता नहीं गई होंगी हमारी अम्मा कहीं काम से बहुत काम होते हैं ऊपर चल के बैठ जाते हैं। भाई का मैंने बताया तो था तुम लोगों को पता होगा भाई का घर ऊपर रेनोवेशन चल रहा था अब ये सेकंड फ्लोर पे रेनोवेशन शुरू होगा तो ये आ गए जी। हाँ डाल दे इसके भी यार 3,000 रुपये डाल दे इसके हालत हो गई खराब 3 मंजिल सामने ये हाल हो गया था समझ में नहीं आता। अस्सलाम ओहो माशाल्लाह बैठे हैं यहाँ जनाब आपको भी घर बंद मिला? हाँ मुझको भी भाई कहाँ है? मैं तो जीने में बैठा हुआ था मतलब जीने में बैठा हुआ था मैं इंतजार में तुम्हारे। अच्छा अब पता चला जैन भाई ऊपर अच्छा आ गया सही किया बिल्कुल सही किया देखा नहीं था जैन भाई का देखने कैसा बना हुआ है। आज आए हो क्या? हाँ पहली बार आया हूँ। हाँ तो भाई ऊपर चढ़कर आ गए गनीमत है माशाल्लाह हैं ये क्या सीन? अबे भाई चाय चाय बनाई है तुमने मतलब ये क्या मैं मेहमान हूँ क्या मैं इस घर का कोई चल बे यार चाय बना कर लाए जैन भाई है ये ना डालियो ओहो चाय बनाई जा रही है क्या बात है भाई जैन ये होती है कुछ बात मानते नहीं मानते हैं ये भाई जैन ये तुमने खुद चाय बनाई है भाई यार भाभी भी नहीं है घर पे कोई भी नहीं है ओए लगाओ यार लाओ रिमोट दो जैन भाई काफी बड़ा टीवी लगवा दिया तुमने जरा इसकी पैनल की लाइट्स वगैरह तो ऑन कर दो। अब आइए ना कुछ बात यहाँ होगा मस्त नेटफ्लिक्स एंड चिल। पापा मजा आ रहा है बड़ा टीवी देख रहे हो तुम्हारे वाले से ही बहुत बड़ा है पापा ये लग नहीं रहा मतलब बड़ा तो है हाँ? ऐसे ही लग रही है जैसे हम वो टीवी देख रहे हैं। तो पापा उससे कितना बड़ा है वो 55 इंचीज है ये कितना है भाई ये कितना इंचीज है 65 65 अच्छा
ये देखो, एक तो ये हीटर दिख रहा है, ऐसी हवा पे मार रहा है ना, सीधा मुंह पे जला दिया इसने मेरा इधर का हिस्सा। अबे यार पापा चलो ना नीचे, चलो चाय पियो जल्दी से, नीचे चलो मुझे वहां जाना है दावत में। चल रहा है चल रहा है, मुझे जाके अभी तैयार भी होना है, दावत में जाना है। अच्छा जब मैंने ये दिखाया था ना, जब मैंने जब होम टूर दिया था इस फ्लोर का, तब ये यहाँ पे कर्टन्स नहीं लगे हुए थे, तब यहाँ पे ये टीवी नहीं लगा हुआ था, और क्या नहीं था भाई? कुछ भी नहीं था। नहीं नहीं दबकू बहुत कुछ था, और क्या नहीं था उस वक्त? सब कुछ ही था, बस ये कर्टन्स और टीवी नहीं था, बाकी किचन तो वैसा का वैसी ही है अभी भी। दुकान बंद है किसकी? नहीं जिशान नहीं है, पर वो तो है, चाबी लेके आया ना। हाँ तो वाजिद है ना, दुकान खुली हुई, दुकान की चाबी लाया हूँ ना बाबा, समझ रहे हो? चाबी लेके कौन जाएगा? चाबी लेके मैं उधर ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे हमदर्द दवा खाने ही जाना है दावत में, वलीमा है, तो मैं अभी उधर निकलूंगा, ले जाऊंगा साथ में। ओ भाई अभी तैयार व्यार हो जाता हूँ थोड़ा सा नीचे जाके, फिर जब मैं हॉल पहुंचूंगा ना तब दिखाता हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए। ये भाई नाजेश गोल, ओ भाई शन्ने गोल गप्पे खाते हुए, ये मेरा भाई। अबे यार काला हो गया नाजेश यार, इतना प्यारा था यार, है शादी के बाद नहीं लग रहा ये, पहले से कितना काला। तो कौन है ये? वो इतना खूबसूरत होता था तो पहले। गोल गप्पे तो खा लिया ला यार, खिलाओ उस्ताद, तुम हंसो मत, तुम आए दोस्त पे। क्या कर रहा है मजेदार। इसी में खा रहे हो क्या? इसी में शुरू कर रखा है ना, इतने सारे लपटे खड़े हैं। ये जो है ना, ये आदमी, ये शक्ल देखो, शक्ल ये। मैंने उसको पूछा कमीना आदमी, मैंने कहा खाना खा रहा है, कह रहा नहीं मैं खाना नहीं खा रहा। उसका बहुत सारे हो गए, तुम बाहर हो जाओ। और इसको वो गिफ्ट करेगा, मुझे एक्सेप्ट है भाई। ऐसी बात है, एक एक किलो सब पैक करा के लिए आइयो। और तुम भाई स्वेटर देना, मैं दो जैकेट लेकर आऊंगा, एक लेडीज और एक जेंट्स। नहीं नहीं बात है मत घुमा भाई, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसके घर के सारे कुंडी कब्जे सब करवा दूंगा, है ना। ज्यादा मत हो तू, ज्यादा दांत को बेटे बेटे देखो, इसको कीड़ा क्या काटा। खाली जगह, शन्ने भाई की बहन का घर 200 गज है, तो मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, 100 गज होगा। कह रहे नहीं 150 गज, वो 200 गज है। मैंने 200 का चांद कह रहा, और क्या होगा। मैंने 200 को छोड़, तू 150 ला दे। तुम्हारे भाई ने सुबह 5 बजे संजय भाई को कॉल, टक टक टक, आप ही का घर कैसे है, कितने गज का है? सो रहा था मैं यार, कह रहा 120 गज का। मैंने कोई बात नहीं, इसको मुझे 1200 रुपए देने दे। इनने कहा या तो वो माफ या डबल, 2400 रुपए हो गए इस पे। मतलब आप कह रहे हो, मतलब आप कह रहे हो निभा नहीं रही है। यार तो शादीशुदा इंसान क्या काम वाम नहीं करता? इनका तो अभी अभी का यार, 4 दिन हुआ सबसे पहले नहीं आए थे, अपनी दुकान आज तो छुट्टी में थे। भाई कोई भाई हम काम नहीं करते क्या? तू भी गिनवा दे भाई, काम गिनवा दे, काम नहीं करते क्या? सुबह से भी आए भाई, सुबह उठ के माल पैक करना, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बताऊँ, शादी में शादी निपटाने के बाद घर वालों को छोड़ने के बाद फिर हम गए अपने घर पे, और अपने घर पे आके सोए नहीं, हमने खैर खबर पूछी है बंदे की 4:30 बजे। भाई हाथ मत मार यार, 4:30 बजे इनकी शादी में क्यों नहीं जाओगे भाई? इनके भाई ने मना करा है। अबे यार भाई देखो, भाई देखो, फिर मना कर दिया, ये रिकॉर्ड हो गई। तब तक ये बंदों से माफी नहीं मांगेगा, आऊंगा नहीं, मैं शादी में आऊंगा नहीं, धक्के दे रहा है छोटा भाई। भाई आएगा नहीं तुम्हारी शादी, रोको ना यार।
पे रोक लो भाई, रोक लो भाई, ये पहले आएगा ये भाई, कोई नहीं आएगा, देखो इनका काम है लगाने का, नहीं रहा जाओ भाई जाओ भाई, ये नहीं आएगा तो आप ए पर रुक जाओ यार, ऐसे हो यार यार निकल का पेन कौन बनाएगा, ये नहीं आएगा तो निगा का पेन और इनके बेड और इनके बेड के ऊपर लाइट वाला बोर्ड वो भी नहीं आएगा, नहीं नहीं ये पहले दे देगा, ये से सजाएगा, जो मजाक उड़ा रहा है, जो उस पेन का मजाक उड़ा रहा है, उस पेन की वजह से इनकी निगा नहीं हो सकता, उल्टा लिख दिया, 1 लाख का लिफाफा ये, कितने का, 1 लाख, 1 लाख चेक देता हूँ मैं, चेक, अरे चेक काट के दिया है, चेक काट के भाई खुश हो, अब तो घूम सकते हो, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो भाई, वर्ल्ड टूर खुश रहो यार, तुम आबाद रहो यार, बस लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, चलो भाई चलते हैं, इजाजत दो भाई, हमारा हाथ इजाजत दो चल भाई चल, मिलते हैं अच्छा इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी, चल भाई अल्लाह हाफिज़, चलो भाई अल्लाह हाफिज़ भाई, करीम को दे दो मेरा चेक, अल्लाह हाफिज़, चल भाई तू तो यार है, मेरी दुआएं दे दियो, फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, और एंड अगर नहीं हुआ तो होगा घर पे, अगर ईसा भाई घर पे मिल गए तो ईसा भाई से ही व्लॉग हुआ शुरू, ईसा भाई पे ही होगा व्लॉग खत्म, अगर एंड हो रहा है तो मैं एंड के लिए गुड बाय कर देता हूँ, आप लोग जरूर अगला व्लॉग देखें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली व्लॉग्स बनाता रहूँ, और देखो कब तक हिम्मत रहती है, कब तक बनते रहते हैं, और अगर नहीं भी बने तो क्या फर्क पड़ता है यार, टाइम कटना चाहिए, मजे आने चाहिए, व्लॉगिंग का एक यही तो उसूल है, इंसान एंजॉय करे और साथ में दूसरा भी एंजॉय करे, क्योंकि ये एंजॉयमेंट जरूरी है, जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो ऐसी ही देखते हो तो तुम लोग कर ही क्या रहे हो, ये देख लो जूते आओगे, कर लो सब्सक्राइब, इस बात पर तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा।